कितने टाइम से ये काम कर रहे हो आप? कई साल हो गए जी, 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए, तो आज तक वीडियो क्यों नहीं कवर कराई फिर? सोशल मीडिया का कोई सिस्टम नहीं, सोशल मीडिया का कोई सिस्टम नहीं है अपना। अच्छा, ये देखो जी, काफी जबरदस्त जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो इस झोटी में, इस बफलो में आपको देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं, बाल्टी लगा दो, एक बाल्टी में दूध नहीं आएगा। टाइम तो नहीं लगा रखा आपने भाई साहब? ये तो बिहारी है, कोई आके देखो। अच्छा, कितनी टाइम देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेले से लगी है तो किलो दो किलो दूध, कम से कम 3 किलो दूध और चलेगी। कम से कम 3 किलो दूध और भी ले आए आई अभी एक। कितने टाइम हो, कितने दिन हुआ? दूसरा दिन हुआ मेरे पास। दूसरा दिन, ठीक है। तो 19 लीटर विकी भाई आपने बताया था, ठीक है। आंटी ये झूठ तो नहीं बोल रहे वैसे? अच्छा, दूध जितना बताए उतना ही मिलेगा? यह तो काटने की चीज है, कोई आके काटो। अच्छा, एक टाइम देखो, दो टाइम देखो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो विकी भाई अब बात करें इसके मोल भाव की। देखो पहली बार वीडियो अपने फार्म से बनवा रहे हो, क्या कुछ इसका मोल भाव करोगे? जो कीमत है बिल्कुल जायज ही बता देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट झज्जर से काफी अच्छा जो पशुधन है वो आज आप पशुपालक भाइयों के सामने लेकर के आए हैं। प्रॉपर जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है वहां से एक भैंस निकल करके आई है, काफी अच्छी दूध वाली जो बफलो है वो हम कहेंगे। और विक्की भाई आप यहाँ पे देखें, बिल्कुल युवा चेहरे हैं। पहली बार इनके डेयरी फार्म से जो वीडियो है वो कवर हो रही है, शूट हो रही है। तो सीधा लेकर के चलते हैं, सेल परचेज का जो कामकाज है किस तरह का करते हैं, क्या कुछ जानकारी यहां से मिलेगी। नमस्कार विकी भाई। नमस्कार भाई, कैसे हो जी? ठीक ठाक। कितने टाइम से ये काम कर रहे हो आप? कई साल हो गए जी, 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए, तो आज तक वीडियो क्यों नहीं कवर कराई फिर? सोशल मीडिया का कोई सिस्टम नहीं, सोशल मीडिया का कोई सिस्टम नहीं है अपना। अच्छा, ठीक है। आज कितने किस किस तरह की भैंसे मिलती हैं अपने फार्म पे? जैसी मिल जाए बढ़िया लाने की कोशिश करते हैं। बढ़िया, ताजा भी यहीं पे काम करते हो? बाकड़ी या फिर बच्चे? बाकड़ी बाकड़ी वाले कोई। अच्छा, कटड़ियां वगैरह कोई कारोबार नहीं है? ताजी, सिर्फ ताजा भी ब्याने वाली और ब्याई हुई। अच्छा, ठीक है। तो आज एक ही भैंस दिखाओगे? एक ही, एक ही भैंस आपके फार्म से है। क्या कुछ नाम है आपके डेयरी फार्म का? वीर डेयरी फार्म। वीर डेयरी फार्म, और एड्रेस क्या रहेगा अपना? रिवाड़ी रोड, वार्ड नंबर 7, नियर बल्लू वाली कोई, यादव कॉलोनी। यादव कॉलोनी बल्लू वाली कोई जो लैंडमार्क है, बिल्कुल ऑन रोड में कहूंगा, काफी पुराना जो स्थल है वो हम कह सकते हैं। और रेवाड़ी वाला रोड है, वहां पे वार्ड नंबर 7 से जो डेयरी फार्म है भाई का, उस वार्ड नंबर 7 में है। तो क्या कुछ जानकारी है आपकी इस भैंस की बता दीजिए एक बार। भाइयों, अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए, अच्छे पसाव के लिए और टीका छुड़ाने के लिए एलडीएम के साथ मिल्क मास जेएस की गोली जरूर दें। और हाँ, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न से, और यह दोनों हरेक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। भैंस के नीचे 19 लीटर दूध है जी। 19 किलो दूध? हाँ, 19। अच्छा, ब्याह कौन सा है? सेकंड। सेकंड टाइमर। कितने दिन की ब्याई होगी? 20 दिन की। 20 दिन की ब्याई है? तो मैं कहूंगा बच्चा देख करके तो ज्यादा ही लग रहा है, बाकी आप अच्छा हेल्दी है जी। अच्छा, क्या है नीचे, कटड़ा है? कटड़ी है, कटड़ा है, कटड़ा है। तो 20 दिन की ब्याई हुई बता रहे हैं जी। बाकी आप सब पशुपालक भाई हो, ज्यादा ही समझदार हो हमारे से। जैसे आपके रिव्यूज, जैसे आप रखोगे विचार वैसे ठीक है। दूध वगैरह दिखाओगे एक बार? हाँ, शाम का टाइम एक बार दूध दिखा देंगे, ठीक है। बाल्टी ले आओ, बच्चा वगैरह छोड़ो। सेकंड टाइमर जो झोटी है वो आप बता रहे हैं, सींग आप देख सकते हैं थोड़े से देसी टाइप से, जैसी डिटेल्स हैं वैसा बताना जरूर पसंद करेंगे पशुपालक भाइयों को। अडर आप देखें, न्यारे न्यारे थंडपा से पैरों के बीच का टाइट अडर, काफी शानदार। पीठ बॉडी वेट जो हाइट है, हाइट आप यहाँ पे देखें, काफी काफी अच्छा जो पशुधन है वो। और रेफरेंस के लिए एक मिल्किंग वीडियो यहाँ से कवर करा रहा हूं फिर से। पुनः एक बार सभी पशुपालक भाइयों से आग्रह, जो रिक्वेस्ट है वो करते हैं कि इस मिल्किंग को फाइनल मान करके ना पशुधन को खरीदें, खुद आए अपने हाथों से, खुद एक एक धार, एक एक थंड को चेक करके, पूरा कंप्लीटली जांच परख करके तब पशुधन को लेकर के जाएं। क्योंकि बाद में फिर काफी सारे भाइयों की शिकायत भी आती है, इसमें दूध इतना नहीं था, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। देखिए जी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है,
प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ आपको वीडियो दिखाते हैं और वीडियो देख करके पशुधन खरीदने का कहीं ना कहीं आपसे पशुपालक भाइयों के सामने जो ऑप्शन है वो रहता है। बावजूद उसके कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो भी आपकी बनती है कि अगर हमने आपको वीडियो दिखाई है तो उस वीडियो के माध्यम से उस डेयरी फार्म या उस आम पशुपालक के घर पर जाएं और पशुधन को खुद जांच परख करके देख करके धार चुवाई वगैरह चेक करके फिर आप लेकर के जाएं। तो ये आप सबसे मेरा जो आग्रह है वो जो मेरी रिक्वेस्ट है वो आप सब पशुपालक भाइयों से रहेगी। 20 दिन का कटड़ा बता रहे हैं जो मेल काफ हेल्दी मेल काफ है, नीचे आप देखें बच्चा छोड़ दिया गया है। तो रेफरेंस के लिए जो एक मिल्किंग वीडियो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो नजदीक से थनों का जो पोसाव है वो एक बार पशुपालक भाइयों को दिखाना चाहेंगे। ये आप देखें डेवलप्ड जो थनों के कूप हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पीछे से जो पोजीशन है अर्डर है वो देखिए, शानदार टिट स्पेसिंग, जबरदस्त हाइट, कदकाठी। खाली बाल्टी एक बार दिखा दो भाई, खाली बाल्टी आप यहाँ पे देखें। रेफरेंस के लिए जो मिल्किंग वीडियो है वो आप सब पशुपालक भाइयों को दिखा रहे हैं। अगले थनों की जो धार है वो आप यहाँ पे देखें, कैसी चुवाई है, सॉफ्ट चुवाई है, एक नंबर की, मस्त एक नंबर की फोली जो चुवाई है वो बता रहे हैं। और दूध जैसा भी है भाई ने 19 रिकमेंड किया है, देखेंगे क्या कुछ जो दूध है वो निकल करके आएगा यहाँ पे, और काफी अच्छा जो पशुधन है वो। तो पहली वीडियो मैं कहूंगा इस डेयरी फार्म से हम लोगों की कवर हो रही है। और फिर वही बात, जो डेयरी फार्म है काफी अच्छा है, भाई का जो मेंटेन है अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ इन्होंने। कुछ एक पशुधन है जो अंदर बंधे हुए हैं, तो ताजा ब्याई हुई भैंसों पे काम करता हुआ बता रहे हैं, 8 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस है अनुभव है वो। तो विकी भाई क्या कुछ उम्र हो गई अपनी? मेरी 33 साल उम्र हो गई। 33 साल उम्र हो गई, तो कितनी साल के मतलब लग गए थे इस काम में? 22-23 साल के। 22-23 साल का, ठीक है। पहले कौन करता था ये काम? कोई नहीं। कोई नहीं, तो आपने ही शुरू किया? आपके परिवार में कोई और काम करता? कोई नहीं वैसे काम करने वाला। अच्छा, ठीक है जी, मेरा ही शौक था वैसे। बहुत बढ़िया। तो ये देख लो जी, साफ सुंदर जो चुवाई है वो। और चुवाई में मैं कहूंगा धारों का कटना छटना, छर्रा पपैया कोई दोष इस तरह का आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं पिछले थनों की धार, और ये देखो जूम करके आपको दिखा देते हैं अच्छे से, ये देखिएगा काफी बेहतरीन, बिल्कुल फोल्ली चुवाई। क्या कुछ दूध की रिपोर्ट रही है फर्स्ट टाइमर में, कितना क्या कुछ दूध इसने निकाला है? फर्स्ट टाइमर ने 18 लीटर दूध निकाला है। 18 लीटर मेले से चालू हुई हाल में। अच्छा, मेले से लग चुकी है? चालू है। कब शुरू हुई? आज ही? कल से, कल रात से। कल रात से शुरू हुई है, ठीक है जी। तो देखिएगा वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं पशुधन को दिखाने का जो प्रयास है वो अक्सर हमारा रहता है, और साफ सुथरी जो भैंसे हैं वो पशुपालक भाइयों के सामने आज तक लेकर के आए हैं। जितनी भी भैंसे जितना भी पशुधन दिखाएंगे किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। हर एक एंगल से पशुधन को दिखाने का जो काम है वो हमारा रहता है, जिम्मेदारी वो हमारी रहती है। और अब आपकी भी जिम्मेदारी रहती है कहीं ना कहीं जो डिटेल्स हमने दिखाई हैं, जो डिटेल्स हमने बताई हैं, उस डिटेल्स पे उस पशुधन को खुद उस घर में या खुद उस डेयरी फार्म में जाकर के देखें। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप लोग जो मेहनत की गाड़ी कमाई है मैं कहूँगा उसको इन्वेस्ट करते हो, और अगर उसमें आपके साथ दिक्कत हो जाए तो वो आपके साथ तो हुई हुई, साथ में हमारे साथ भी हुई, क्योंकि वीडियोस देख करके भरोसा करके कहीं ना कहीं मैं कहूँगा आप पशुधन लेते हो, और उस भरोसे को कायम रखने का जो प्रयास है वो लास्ट तक कहीं ना कहीं हम सबका रहेगा। तो बाल्टी में दूध आप देखें धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रही है धारें, और काफी अच्छी दुग्ध उत्पादन क्षमता मैं कहूंगा। ये देखिएगा तो बाहर के कस्टमर भी आते हैं विकी भाई अपने पास? नहीं अभी तो नहीं, अभी कोई नहीं, लोकल में ही जो अपना खरीद बेच का है वो कर लेते हो? अच्छा, ठीक है। ये देखो जी काफी जबरदस्त
जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो इस झोटी में, इस बफलो में आपको देखने को मिल रही है, ये आप देख सकते हैं। बाल्टी लगा दो, एक बाल्टी में दूध नहीं आएगा, टाइम तो नहीं लगा रखा आपने भाई साहब? ये तो बिहारी है, कोई आके देखो। अच्छा, कितनी टाइम देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस टाइम दूध निकाल रहा था सुबह का? टाइम टू टाइम। आंटी यही रख दो, सामने ही रख दो, सामने 5 से 5, थोड़ा सा पीछे करके, उधर थोड़ा सा उस भाई के साइड ही। हाँ ठीक है। सुबह कितने बजे दूध निकाला था? 5 बजे, 5 सुबह 5 शाम को। 5 सुबह 5 शाम को फिक्स टाइमिंग है अपनी। तो दूध बेचने का भी काम करते हो? हाँ। क्या भाव बिक जाता है अपना? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो जो दूध है भाई बता रहे हैं, दे देते हैं। तो एक बाल्टी में जो दूध है वो आप देख सकते हैं, दूसरी बाल्टी में जो मिल्किंग है वो शुरू हो गई है। 19 लीटर के करीबन जो दूध है भाई वो बता रहे हैं। तो तोल कैसा रहेगा, कांटे का है लीटर में? डब्बे पे हमने तोला नहीं कभी, कांटे पे कभी नहीं तोला नहीं। अच्छा, तो लीटर भरोगे अभी? लीटर से ही देते हैं हम, कांटा है नहीं मेरे पास। कांटा है नहीं तो कांटा ले आओ, आजकल तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कांटे का जमाना है विक्की भाई, है ना? और समय के साथ हमें चलना भी चाहिए, क्योंकि लंबा चलना है, काम करना है, तो फिर समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। तो देखे जी, बच्चे के लिए भी भाई ने दूध छोड़ दिया है यहाँ पे, और मैं कहूंगा फिर वही चीजें, भाई ने जो डिटेल्स हैं वो 5 से 5 का जो समय है वो बताया, बाल्टी खाली और लीटर वगैरह का है आपके? ले मैं एक बार मंगाए नहीं, मैं फिर भी आपसे एक बार पुनः जो गुजारिश है वो करूंगा, इस मिल्किंग को फाइनल ना माने, पशुधन को खुद आए, देखें, जांचे परखे, और उसके बाद कहीं ना कहीं लेकर के जाएं। तो 2 बाल्टियों में जो दूध है वो आप यहाँ पे देखें, काफी जबरदस्त जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो इस बफलो की होने वाली है। रेट भी भाई से जानेंगे, सारी जो जानकारी है, सारी जो डिटेल्स है वो आपको मिलेंगी। तो विक्की भाई, खाने दाने में ही कैसी है? नंबर 1, बढ़िया, एक नंबर। क्या कुछ दे रहे हो अभी डाइट में, क्या कुछ चल रहा है इसका? इसकी बिनोला खल और चोरी छिलका। चोरी का छिलका और बिनोले की खल, ठीक है। और अपना रहा चारा जो साथ में चलता है। तो ये देखो जी, ये कटड़ा फिर सीमन वगैरह का है कैसे, क्या इसका तो नहीं पता, इसकी कोई जानकारी नहीं, ठीक है। झूठ बोलने के जेने बता दे, नहीं नहीं कोई फायदा नहीं है झूठ बोलने का। एक बाल्टी और लेनी थी ना, फिर खाली बाल्टी और दे दो आंटी, ये तो दे जाओ। आंटी भी कंफ्यूज हो रही है ना, उसमें आ जाएगा सारा दूध, देख एक बार देख लो, आ जाए तो ले माना। आपने पलटना पड़ेगा, 2-3 बार पलट दो, ये झाग थोड़े से मर जाएंगे भाई, का पहली बार का काम है तो धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और ये देखो जी, दूध काफी अच्छा दूध वाली जो भैंस है, जो झोटी है, वो लेकर के आए हैं, ठीक है। सारा डाल के अब मापते, बहुत बढ़िया, नाप दिमाग। 1 लीटर है ये, एक। तो आंटी आप नापोगे? बेटा नापता नहीं है, आपका नापना नहीं आता इसको, यो माता जी का ही टेंडर है। अच्छा, एक अपना काटने काटने का, बहुत बढ़िया। 2, तीन, चार, पांच। दूध वालों को आप ही देते हो आंटी दूध? 6, तभी बढ़िया अच्छे से धड़ाधड़ लीटर भर रहे हो हैं। 7, 8, बहुत बढ़िया। 9 और कुछ प्लस में है, और बच्चे को भी दूध छोड़ दिया, तो 19 लीटर विक्की भाई आपने बताया था, ठीक है। आंटी ये झूठ तो नहीं बोल रहे वैसे? कभी 20 होगा भाई। अच्छा, इतना तो ठीक नहीं थी, दूध जितना बताया उतना ही मिलेगा, ये तो काटने की चीज है, कोई आके काट दो। अच्छा, एक टाइम देखो, 2 टाइम, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई का 1% फिर भी मान ले, अगर इनकी माताश्री इनका साथ दे रही है, तो मैं कहूंगा माँ कहीं ना कहीं हमारी भी है,
और इसकी बात में कोई झूठ नहीं मिलेगी। बफलो आप देखिए, अडर का जो झड़ाव है वो मैं कहूंगा पीछे से जो थन वगैरह है, अडर का झड़ाव आप देख लीजिए काफी बेहतरीन झड़ाव के साथ जो पोजीशन है पशुधन की वो। तो विकी भाई अब बात करें इसके मोल भाव की। देखो पहली बार वीडियो अपने फार्म से बनवा रहे हो, क्या कुछ इसका मोल भाव करोगे, जो कीमत है बिल्कुल जायज ही बता देना। इसकी जायज कीमत है 1,65,000 रूपए। 1,65,000 रूपए तो मान सम्मान की गुंजाइश? बस मान सम्मान होगा इसमें। अच्छा, थोड़ी गुंजाइश। तो अब मेले से लगी है तो किलो दो किलो दूध, कम से कम 3 किलो दूध और चलेगी। कम से कम 3 किलो दूध और भी ले आए हाई अभी। कितने टाइम हो, कितने दिन हुआ? दूसरा दिन हुआ मेरे पास। दूसरा दिन, ठीक है। मोबाइल नंबर क्या कुछ है अपने? 90-53-140-129। 90-53-140-129। और जो एड्रेस है वो भाई का रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे संपर्क करें। आज का पशुधन था जिला झज्जर से। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।